आज एक ऐसे साई भक्त के बारे में आपको जानकारी देंगे जो बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसा क्या साक्षात्कार उनके जीवन में हुआ था, वो एक साई भक्त बने, आज वो बाबा के चरणों में समर्पित हुए हैं, जानेंगे एक अनसुनी कहानी में। नमस्कार, ओम साई राम। मैं भुवनेश्वर से, उड़ीसा से आया हूँ, भुवनेश्वर का बसिंदा हूँ। मैं शिरडी 4-5 साल पहले आया था, अभी हो गया मेरा 5-6 बार हो गया आने का। मैं बाबा को कभी मानता नहीं था। एक बार क्या हुआ ना, मैं संबलपुर शांति नगर गया था, वहाँ पे एक आदमी के साथ गया था, वहाँ पे देखा एक बेटा उधर एक तो पत्थर का मूर्ति है, तो उधर वो कैसे, वो बाबा कौन है मेरे को मालूम नहीं था। वहाँ पे बैठे थे बाबा, देखो ये साई बाबा मूर्ति है। मतलब कौन साई बाबा, हम तो मालूम नहीं साई बाबा कौन है ना, ये तो पूरे तो पत्थर का मूर्ति है। तो वो लड़का मेरे को बोला, नहीं वो बाबा है, मेरे साथ में जो मेरा दोस्त गया था, तो मैं मानता नहीं बाबा कौन हूँ, तो मैं क्या आ गया उसके साथ में। फिर मैं क्या दोबारा वो मंदिर भर गया, जाके बोला था साई बाबा का कोई है ऐसा, मेरे को मालूम आया जो साई बाबा का कोई स्पिरिट है बोल के। तो साई बाबा का उसी दिन से मेरे को साई बाबा का लगन हो गया। मैं उसी दिन के बाद साई बाबा का संस्थान में जुड़ गया वहाँ पे संबलपुर में। फिर आया मैं भुवनेश्वर में चंद्रशेखर में साई बाबा का मंदिर है, वहाँ पे सुदर्शनाना बोल के साई बाबा का वो पंडित है, उनसे मैं भेंट हुआ, जो बोला ऐसे ऐसे, तो उनके साथ में मैं साईं बाबा का मंदिर में आया यहाँ पे शिरडी में आके बाबा को ऐसे दर्शन किया, तो वहीं से मेरे को अति सुकून मिलता है। तो बाबा के साथ में जुड़ गया पूरा 2012 से। तो बाबा को मेरे को इतना खुश दिया, मैं बाबा के साथ उसी दिन से जुड़ा जो बाबा कौन है मेरे को पता चला। तो शिरडी जो मेरा जब ड्यूटी चलता है, मैं स्टेशन में खड़ा रहता हूँ, तो उनके साथ में कोई आदमी आके पूछता है शिरडी के लिए गाड़ी कहाँ है, मैं तो उनको पूछता हूँ आप शिरडी जा रहे हैं, तो मेरे को बहुत सुकून मिलता है उनके बात करने से। तो बाबा के पास जाऊँ, मैं कब जाऊँगा बोल के मेरे को भी आता है कि मैं कब जाऊँगा शिरडी। तो बाबा का जो बुलाया जाता है ना, मैं तुरंत भाग के आ जाता हूँ शिरडी घूमने के लिए। तो बाबा का इतना महिमा है, तो मैं कभी सोचा नहीं था। तो बाबा के साथ हम पूरा जुड़ गए, पूरा फैमिली जैसे बाबा के साथ हम पूरा जुड़ गए। तो बहुत सारा आदमी के साथ हम आते हैं घूमने के लिए इधर, बाबा का आराम से पाली की यात्रा इधर होता है, तो उनके साथ घूमता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बहुत कुछ दिए हैं, किंतु बाबा के साथ भी इतना जुड़ गया हूँ, मेरे को बहुत सुकून मिलता है। तो साई बाबा टीवी तरफ से मेरे को मौका मिला कुछ बोलने के लिए, तो इसलिए मैं बाबा का सब बात कर रहा हूँ। उसमें चंद्रशेखर भुवनेश्वर में वहाँ पर सुदर्शन बोल के पंडित जो हैं, वो हर साल 500-600-800 लोगों को लेके पूरा इधर आते हैं पाली की यात्रा करने के लिए शिरडी में। मैं भी उनके साथ में आता हूँ पाली की यात्रा में। पाली यात्रा इतना अच्छा लगता है, फिर घूम के गुरुवार को पाली की यात्रा इधर से निकलता है, पूरा शिरडी में घूम के वो बाबा के पास में जाके बाबा को हम पूरा वहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। प्रसाद में सबको प्रसाद मिलता है खाने के लिए, हम लोग भी प्रसाद उसमें खाते हैं, इतना अच्छा लगता है घूमने के लिए। तो बाबा का जैसे परिवार जैसे हम लोग को हो गए। मैं बाबा को 2012 से बाबा के पास में मैं जुड़ा हूँ। मैं बाबा को मानता नहीं था। मैं बाबा के पास में जब देखा जाए बाबा का एक तो स्टैचू है, मैं सोचा ये बाबा का क्या स्टैचू है, ये तो कोई पत्थर का मूर्ति जैसा है, वो किसका बैठा दिया है इधर। तो मेरा साथ में जो लड़का मेरे को घुमाने लेके गया था वहाँ पे शांति नगर में, तो बाबा को देख के मैं वो बोला ये साई बाबा है, मेरे को कौन साई बाबा है वो हमको मालूम नहीं, तो मैं आ गया। फिर एक बार मेरे को मेरे बीबी के साथ में गया उधर शांति नगर में, तो मैं बोला वो मेरे बीबी बोला वो साई बाबा उनको प्रार्थना करो। फिर उनके साथ में जाके मैं वहाँ पे प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मेरे को साई बाबा का कुछ अच्छा लगा, तो मैं साई बाबा के साथ उसी दिन 2012 से जुड़ गया। आज तक बाबा को बहुत मानता हूँ मैं, बाबा के साथ इतना जुड़ गया हूँ जी, बापा को कुछ मैंने जो भी बाबा का नाम बोलते हैं मैं उनको बोलता हूँ चलो शिरडी जाके घूम के आ जाएंगे। वो बाबा का बहुत बहुत बड़ा आमदान है हमारा, बाबा का हमको बहुत कुछ दिया है, बाबा का आशीर्वाद। बाबा का शरण में जब आ गया हूँ, बाबा को मैं पूरा समर्पित कर दिया हूँ मैं।
मैं बाबा को बहुत मानता हूँ, मेरा फैमिली भी बहुत मानते हैं। वो बाबा को जब बाबा के पास में आता हूँ ना, वहाँ पे बाबा को पहला के दर्शन करके बहुत द्वारिका मई में आता हूँ, द्वारिका मई में बैठ के बाबा को दर्शन करता हूँ। दर्शन करके बाबा के पास जाके बाबा को प्रार्थना करके वो शिरडी में बहुत सुकून मिलता है। तो बाबा के साथ में जब से मैं जुड़ गया हूँ और मेरे को इतना सुकून मिल रहा है और कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं। श्री साई बाबा संस्थान की ओर से नाश्ता पैकेट की शुरुआत कब और कैसे हुई जानेंगे बहुत जल्द आने वाले एपिसोड में आप सभी साई भक्त के लिए एक अनसुनी कहानी में। We will know very soon when and how the breakfast packet will be started from Sri Sai Baba Sanstan. In the upcoming episode, an unheard story for all you Sai devotees. दुनिया को देने वाला जिस घर पे जाके झोली फैलाता था, वो घर कितना पावन होगा, पवित्र होगा। श्री साई बाबा जब भिक्षा मांगा करते थे, उनमें से कुछ घर ऐसे थे वहां बाबा अक्सर जाया करते थे, वो घर किसके थे, आज वो घर की स्थिति में है। यह सभी अनसुनी कहानी यात्रा साई धाम की इस कार्यक्रम में बहुत जल्द आपके सामने लेके आ रहे हैं। शिरडी गैजेटियर श्री साई बाबा आगमन ते समाधि शताब्दी पर्यंत संपूर्ण माहिती। ही काल्पनिक कादंबरी नाही किंवा साई बाबांचे प्रदीर्घ असे चरित्रही नाही। बाबांच्या चमत्कार वगळून श्री साई बाबा शिर्डी आणि साई संस्थान यांचा फारसा प्रकाशित न झालेला, दुर्लक्षित असलेला, विस्मृतीत गेलेला हा इतिहास आहे। श्री साई बाबांबद्दलची दुर्मिळ माहिती अनेक बारकाव्यांनिशी तारखेनिशी यात आलेली आहे। उपलब्ध झालेले संदर्भ पाहून पडताळून हा इतिहास मांडलेला आहे। अभ्यासकांसाठी हा संदर्भ ग्रंथ ठरावा। विशेष म्हणजे साईबाबांच्या जीवनावर असलेले हे पहिलेच मल्टीमीडिया पुस्तक आहे। शिर्डी गॅझेटियर पुस्तक मिळवण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी 9922443408 या मोबाईल वरती संपर्क करावा। साई प्रवाह टीव्ही शिर्डी चॅनल के इस व्हिडिओ को अगर आप सभी साई भक्त पसंद करते हैं तो श्री साई बाबा प्रचार और प्रसार हेतु इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साई राम।